नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। बदायूं में गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और भाजपा के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की। बहेड़ी में अखिलेश यादव ने भाषण की शुरुआत में कहा कि सुना है दिल्ली वाले भी आए हैं, भीड़ देख आज ही तोते उड़ गए होंगे। अखिलेश के भाषण से पहले सपा उम्मीदवार आदित्य यादव ने कहा था कि 2019 में प्रशासन ने बेईमानी करके हराया था, तब प्रशासन ने कहा था कि स्ट्रांग रूम में तोता घुस गया था, अब की बार इतना वोट दीजिए कि इनके ही तोते उड़ जाएं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये भाजपा षड्यंत्रकारी और छलावा करने वाली पार्टी है, इस बार स्ट्रांग रूम में तोते नहीं घुसेंगे, अगर गलती से घुस भी गया तो बाहर नहीं निकल पाएगा, यह चुनौती और प्रतिष्ठा का चुनाव है, मतदाता चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2019 का चुनाव भी हम हारे नहीं थे बल्कि धर्मेंद्र यादव हराए गए थे। फिर जनता की ओर से मुखातिब होकर पूछा कि पिछला हिसाब किताब करेंगे या नहीं, जब आवाज हाँ में आई तो बोले बदायूं की जनता पर हमें पूरा भरोसा है। मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हुए कहा कि हमने इसे बनाया पर भाजपा ने बर्बाद कर दिया। अखिलेश यादव के भाषण में किसान और नौजवान के साथ पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के लोग केंद्र में रहे। कहा कि खाद की महंगाई बढ़ी है और खाद की बोरी का वजन बिस्कुट की तरह कम हो गया है। भाजपा किसानों के लिए काला कानून लाई है, यदि ये कानून लागू हो जाता है तो किसानों की कमाई उद्योगपतियों के हाथ में चली जाती। गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ डेटा देने का वादा करते हुए उन्होंने बदायूं से खुद को जोड़ा, बोले सड़कें बनेंगी, दिल्ली के लिए ट्रेन की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, गंगा एक्सप्रेस वे लखनऊ से जुड़ेगा, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स सेंटर बनवाने का भी वायदा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि परिवार के लोग लड़ रहे हैं, यदि भाजपा को बुरा लगता है तो वह संकल्प लें कि किसी परिवार वाले को नहीं लड़ाएंगे, किसी परिवार वाले से वोट नहीं लेंगे। कहा कि हम पीडीए परिवार से लड़ रहे हैं, हमारा परिवार संघर्ष करने वालों का परिवार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ने कहा कि भाजपा के पास सिवाय नफरत के उनके पास कोई भाषण नहीं है, 10 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप पूछिए महंगाई कम हुई तो जवाब नहीं आया, आज सुनहरा मौका है, अपने हाथ में इतनी बड़ी ताकत से सपा को जिताएं कि दिल्ली में बिना अखिलेश यादव के दिल्ली में कोई सरकार न बन न सके। एक दिन इनको दीजिए, 5 साल इनसे सेवा लीजिए, मैं ना बेईमानी करूंगा ना बेईमानी करने दूंगा। सपा मुखिया ने कहा कि 10 साल में भाजपा की सब बातें झूठी निकली, लेकिन हम सत्ता में आते ही सभी किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा का जिक्र करते हुए बोले यही दिल्ली वाले आते थे, कहते थे आमदनी दूनी कर देंगे, लेकिन किसी की आय दोगुनी नहीं हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, पहले जैसी पक्की नौकरी देंगे। खाकी वर्दी वाले कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं हम लोगों पर, यह लोग भी समझ लें, अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई तो इनकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।